टीवी शो अनुपमा में आज हम देखेंगे कि सब लोग अनुज के इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन अनुज वहां नहीं पहुंच पाता। अनुपमा को घबराहट होने लगती है कि अनुज क्यों नहीं आ रहा है, इतना टाइम हो गया, वो 2 घंटे में आ जाऊंगा बोला है। अनुपमा कहती है कि कुछ बहुत बड़ी बात है अनुज, ऐसा नहीं कर सकते, और मुझे अगर कुछ काम रहता तो जरूर कॉल करते। अनुपमा मुंबई जाने का जिद पकड़ लेती है। अनुपमा अंकुश से कहती है कि मुझे मुंबई लेके चलिए। तभी अनुज का फोन आता है और अनुपमा सन्न हो जाती है। वो घर वालों को बताती है कि अनुज ने कहा है कि वो कभी नहीं आएगा वापस लौट के, वो वहीं पे रहेगा मुंबई में छोटी और माया के साथ। यह बात को सुनकर घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं सिवाय बरखा और वनराज के। पाखी कहती है कि ये जरूर माया का किया धरा है, उसी ने कुछ जाल बिछाया होगा बड़ी को रोकने के लिए। जिसके बाद अनुपमा फैसला लेती है कि अनुज के बारे में इस घर में कोई बात नहीं होगा, उसके वजह से कोई झगड़ा या लड़ाई नहीं होगा, अब मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। अनुपमा कहती है उसे किसी की जरूरत नहीं, ना वनराज का ना अनुज का। अनुपमा फैसला लेती है कि अपने जिंदगी में अकेले ही आगे बढ़ेगी। सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम लोग आपके लिए नए नए अपडेट लाते रहें।